हेलो फ्रेंड दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में हैं। यदि इनका गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन का जो भी अनुपातिक पहलू है उन्हीं को अपनी संख्याएं मान लो। जो अनुपातिक पहलू है जैसे कि 5 है तो 5x पहली संख्या होगी, फिर दूसरी संख्या क्या होगी 6x होगी, तीसरी होगी 7x होगी। ठीक है, ये तीन संख्या अपने पास है। अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल, अगर गुणनफल कहे तो इनका गुणा कर दो, है ना, जोड़ कहे तो जोड़ दो, घटाना कहे तो घटा दो। गुणा कहा वो 5670, 5670। अब इनका गुणा करेंगे x x x, यानी कि x क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 5670 बटा 5 × 6 × 7, ठीक है, तीन संख्या अपने पास सामने हो जाएगी। 7 से काट दो, 7 × 7 = 56, 7 × 7, ठीक है, 7 से कट गया, है ना, 35 × 7 = 7, 7 × 7 = 56, 7 से कट गया। अब 5 इसे 6 से काट दो, बोले या 5 से काट दो, 5 × 5 और 5 × 5 कितने बचे 3, 3 × 31, 5 × 30, फिर 1 बचा, 1 × 0, 5 × 2 = 10, 6 से काट दो तो 6 × 12, 6 × 12 और 4 × 2 = 42, 6 × 7 = 42, यानी कि एक्स क्यूब बराबर होता है 27 आ गया। जब एक्स क्यूब यानी कि इसका भी घनमूल निकाल लो, है ना, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स बराबर 3 आएगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, जो 3 किस ऑप्शन में आ रहा दोस्तों। अब ये तो 3 तो है ही सही, क्योंकि एक्स का माना गया, अपने पास क्या आएगा, एक्स का माना गया। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा अनुपात 7 है, तो 7 × 3, 7 का गुणा 3 में कर दो, 7 × 21 आएगा। 21 कैसे ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।